पूरे किचन में इसकी इतनी प्यारी खुशबू महक रही है कि सारे सोच रहे हैं आज किचन में बन क्या रहा है। तो ये ओरिजिनल पंजाबी पुलाव की रेसिपी है जो पंजाब में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं कुछ खास और वो बना रहे हैं हम पंजाबी पुलाव, जिसे हम बनाएंगे फलक एक्सट्रीम राइस के साथ। तो अक्सर हमारी ये शिकायत होती है, हमारे जो चावल होते हैं पकने के बाद या तो टूट जाते हैं या तो चिपक जाते हैं, लेकिन फलक के ये एक्सट्रीम राइस ना तो पकने के बाद टूटते हैं और ना ही चिपकते हैं, बल्कि खिले खिले से चावल पकते हैं। तो इसका एक ट्रिक भी है जो मैं आज आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट मेथड से। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करें, गौर से देखें, ना तो इसके बाद आपके चावल कभी टूटेंगे ना तो कभी चिपकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके चावल चिप चिप क्यों होते हैं, इसकी ट्रिक क्या है। इसकी ट्रिक ये है कि आपने चावलों को अच्छी तरह से धोना है और उसके अंदर जो स्टार्च है ना उसको निकालना है। अब मैं चावलों को धोंगी और आप देखें जब तक हमारा जो पानी है वो बिल्कुल क्लियर ना हो जाए उस टाइम तक हमने इसको धोना है। तो अभी तो चावलों का जो पानी है ना वो बिल्कुल वाइट वाइट लग रहा है, लेकिन हमने इसको बिल्कुल क्लियर करना है, बिल्कुल साफ पानी नज़र आना चाहिए, तब तक हमने इसको चावलों को अच्छी तरह से धोना है। यही वजह होती है जो स्टार्च होता है वो रह जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो चावल होते हैं ना वो चिपचिपे से रह जाते हैं जब पकते हैं। तो कम से कम आप इसे 30 से 40 मिनट तक सोक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक टिप दूंगी कि आप इसे ज़्यादा सोक करें। जितना आप ज़्यादा सोक करेंगे ना तो हमारा जो कुकिंग टाइम होगा वो कम होगा और इससे हमारे चावल जो होंगे ना तो वो टूटेंगे और ना ही मतलब वो चिपचिपे होंगे, बल्कि खिले खिले से हमारे चावल पकेंगे। तो हम यहाँ पे पंजाबी पुलाव बनाने के लिए यखनी रेडी करेंगे। तो यखनी रेडी करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, तो मैंने यहाँ पे आधा किलो चिकन लिया है। आप मटन भी ले सकते हैं, आप बीफ भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप किस में भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। और यहाँ पे हम गरम मसाला लेंगे एक तेज़पत्ता, यहाँ पे मैंने 10 लौंग लिए हैं, 4 मैंने सब्ज़ी इलायची ली है 4-5, और 2 मैंने काली इलायची ली है, 1 बादियान का फूल और 2 दालचीनी की स्टिक्स, और ज़ीरा लिया है 1 टेबलस्पून, और काली मिर्चें साबुत वाली मैंने ली हैं 15 अदद, धनिया लिया है मैंने साबुत तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के, सौंफ ली है मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून, और यहाँ पे मैंने लहसुन के जवे लिए हैं 5 अदद और 2 अदरक के टुकड़े लिए हैं साबुत वाले, और प्याज लिया है मैंने स्मॉल साइज़ का जिसको मैंने 2 हिस्सों में काट लिया, और नमक लेंगे हम 1 टीस्पून, और यखनी के लिए पानी हमें चाहिए तकरीबन 4 ग्लास। तो एक बर्तन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें हम डाल देंगे चिकन, लहसुन, अदरक, प्याज, साबुत धनिया और ये सौंफ और ये सारा गर्म मसाला और नमक और ये पानी। और अब इसको हम रख देंगे मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट में हमारी यखनी रेडी हो जाएगी। कवर करके 15 मिनट हो चुकी हैं, हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये देखिए यखनी हमारी ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी है। तो अब हम थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसको छान लेंगे। तो यखनी हमारी यहाँ पे ठंडी हो चुकी है और पूरे किचन में इसकी इतनी प्यारी खुशबू महक रही है कि सारे सोच रहे हैं आज किचन में बन क्या रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, चिकन को हम निकाल लेते हैं। चलें, चिकन हमने निकाल लिया, अब हम यखनी को भी छान लेंगे। चलें, तो यखनी हमारी रेडी है, इसको हम साइड पे करते हैं और मसाला रेडी करते हैं। तो सब कुछ रेडी हो चुका है, तो अब हम यहाँ पे पंजाबी पुलाव रेडी करते हैं। तो ये देखिए यखनी भी रेडी है और चिकन भी हमारा रेडी है, और यहाँ पे मैंने 2 लार्ज साइज़ के टमाटर लिए हैं कटे हुए, 3 अदद हरी मिर्ची ली हैं साबुत वाली, गरम मसाला पाउडर लिया हमने 1/2 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया हमने 1 टेबलस्पून, नमक लिया हमने 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक हम मसाले में डालेंगे और 1 टीस्पून हमने यखनी में डाला था, लाल मिर्च का पाउडर लेंगे हम 1 टेबलस्पून, अगर आपको मिर्चें ज़्यादा नहीं पसंद आप 1 टीस्पून भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज लिया है और ऑयल लेंगे हम 1/2 कप। तो ये देखिए चावल हमारे सोख हो चुके हैं, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि फलक स्ट्रीम बासमती राइस कितने लंबे राइस हैं और इसका 1 कप पकने के बाद 5 कप के बराबर हो जाता है। तो चलें अब हम इसको कुक करते हैं। पुलाव बनाने के लिए एक बर्तन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप ऑयल, ऑयल को गर्म होने देंगे। तो ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दूँगी कटे हुए प्याज। प्याजों को हम फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो
तो ये ओरिजिनल पंजाबी पुलाव की रेसिपी है जो पंजाब में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। और कुछ लोग इसी पुलाव में थोड़ा सा येलो कलर डाल के उसको बिरयानी का नाम दे देते हैं। तो ये देखिए प्याज हमारे यहाँ पे फ्राई हो चुकी हैं और अब मैं इसमें डाल दूँगी चिकन। तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी डाल के चिकन को अच्छी तरह से भून लिया। अब मैं इसमें डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा पानी डाल के हम निकाल लेंगे। चलें, तो ये देखिए प्याजों का कलर कितना ज़बरदस्त है। तो ये प्याजों के कलर पे डिपेंड करता है कि आपके जो पुलाव का कलर कैसा आएगा। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा कलर आया प्याजों का। अब मैं इसमें डाल दूंगी कटे हुए टमाटर। आप चाहें आप दही भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। तो ना तो आपने ज़्यादा प्याजों को जलाना है और ना ही हल्का रखना है, ठीक है। आपने इसको इस तरह डार्क ब्राउन रखना है ताकि ये ज़बरदस्त सा कलर दें पुलाव को। टमाटर डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च का पाउडर और नमक, मिक्स करेंगे। और इसमें हम डालेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चें हम डालेंगे सेंटर से इस तरह करके। हरी मिर्चों को कट लगा के हम इसलिए डाल रहे हैं कि इसकी खुशबू फैल जाए। तो मैं दो डाल रही हूँ, एक वाली जो है ना वो मैं लास्ट में डालूंगी क्योंकि एक हमें ज़रा पकी हुई नहीं चाहिए। चलें, तो अब मैं इसमें डालूंगी एक गिलास पानी का। तो इसको हम कवर करके पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो जो हमने चावलों को सोक किया था उसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। तो देखिए 3-4 मिनट हो चुके हैं और टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे यखनी। यखनी डाल के फ्लेम को थोड़ा हाई कर देंगे और इसको बॉयल आने देंगे। तो ये देखिए बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल डाल के मिक्स करेंगे और अब इसे हम कवर कर देंगे तब तक जब तक जिसका पानी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, हाई फ्लेम पे। तो ये देखिए पानी हमारा ड्राई हो चुका है। तो अब इसको हम दम पे रखेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे डालेंगे गरम मसाला पाउडर और ये जो हरी मिर्च मैंने बचा के रखी थी इसे कट लगाऊंगी मैं सेंटर से और इसको सेंटर में रख दूंगी। इससे ये होगा कि चावलों में सारा इसका टेस्ट चला जाएगा। तो अब इसको हम कवर कर देंगे और इसको दम पे रख देंगे हम 15 से 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा जो पुलाव है वो रेडी है। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त खिले खिले से हमारे चावल पके हैं। कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, पूरा किचन खुशबू से महक रहा है। तो ये सारा कमाल है फलक एक्सट्रीम बासमती राइस का। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो तैयार है फलक स्ट्रीम बासमती राइस से बना हुआ पंजाबी पुलाव। तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है और खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और इस वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपको ये पंजाबी पुलाव की रेसिपी कैसी लगी। तो तैयार है फलक स्ट्रीम बासमती राइस से बना हुआ पंजाबी पुलाव। तो यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम और इस बटन पर क्लिक करके किचन निदामना चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बटन पर क्लिक करके लाफ निदामना चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।